इस पर्यावरण को बचाने के लिए प्रौद्योगिकी का योगदान कैसे हो सकता है? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कल मैं गाजियाबाद गया था, दिल्ली में गया था, परसों उच्चतम न्यायालय ने एक 5-6 राज्यों को नोटिस जारी की और नोटिस जारी करते समय पंजाब को, हरियाणा को, उत्तर प्रदेश को, दिल्ली और अन्य राज्यों को नोटिस जारी करके कहा कि जो ये फॉग है, जो ये धुंध है, दिल्ली जब मैं लखनऊ से गया वहाँ धूप थी, मौसम एकदम साफ था, लेकिन अगले 35 मिनट के अंदर मेरी फ्लाइट गाजियाबाद में लैंड की तो गाजियाबाद में मैंने देखा पूरा अंधेरा था। जैसे मैं उससे उतरा देखा मैंने कि बाहर आंखों में जलन हो रही थी, तो मैंने कहा ये धुंध तो नहीं है, ये केवल धुआं भी है, इसके साथ डस्ट पार्टिकल भी इसके साथ में है, ये पॉल्यूशन है। फिर मैंने कहा मोबाइल स्मार्टफोन निकाल के मैंने कहा थोड़ा चेक करो कि नासा की सैटेलाइट इमेजेस क्या बता रही है, कहां पराली जल रही है, कहां पे औद्योगिक पॉल्यूशन के कारण ये समस्या खड़ी हुई है। पंजाब के ऊपर पूरी तरह रेड कलर से रंगा हुआ था, हरियाणा का भी उत्तरी क्षेत्र पूरी तरह रंगा हुआ था, और जैसे ही हवा का झोंका वहां से चला दिल्ली पूरी तरह अंधकार में डूब चुकी थी। ये चीजें क्या दिखाती है कि हमने विकास तो किया लेकिन उस विकास के रूप तकनीक हमने विकसित नहीं की। जैसे अगर हमने कंबाइन मशीन दी, अगर कंबाइन मशीन के साथ पराली का उपयोग नहीं हो रहा है उसके साथ हम एक रैपर भी साथ में लगा देते जो उस पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके उसी खेत में बिखेर देते, और जब खेत की जुताई होती उसी के साथ वह मिक्सअप होता, एक पानी डालते तो वह एक ग्रीन कंपोस्ट उस खेत को प्राप्त होता, उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकता था। लेकिन वो क्या रहा है, आग लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति पर भी असर पड़ रहा है और साथ साथ पर्यावरण के लिए भी वो एक खतरनाक जहरीली गैस पैदा करके, जहरीली धुआं पैदा करके पूरी तरीके से जैसे ही हवा का दबाव कम होगा तो पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में लेकर के वहां पे उसको एक गैस चैम्बर के रूप में बदल दे रही है और पूरा क्षेत्र श्वास लेना वहां पे जो दमे के रोगी हैं या जिन लोगों पे इस प्रकार की समस्या जो किसी न किसी श्वास से संबंधित किसी बीमारी की चपेट में है उन लोगों के लिए वहां पे रहना कठिन हो जाता है, दुर्भर हो जाता है। लेकिन स्थानीय स्तर पर हम भी प्रयास कर सकते हैं। हम जब सस्टेनेबल विकास की बात करते हैं, याद रखना 2016 में यूएनओ ने पूरी दुनिया के लिए सतत विकास लक्ष्य तय किए थे। उन्होंने कहा कि समग्रता के लिए आवश्यक है कि हम जो ये 16 गोल्स हैं जिनके 169 लक्ष्य हैं इन्हें प्राप्त करना प्रत्येक मनुष्य के लिए आवश्यक होगा, क्योंकि इसके बगैर जीव सृष्टि को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन होगा। और उसमें उन्होंने कहा कि भाई सबको शिक्षा प्राप्त हो, सबको उत्तम स्वास्थ्य की सुविधा भी हो, रोजगार की व्यवस्था भी हो, लेकिन पर्यावरण आदि के बचाव के लिए ऐसे उन्होंने लगभग 17 गोल्स दिए, जिनमें से अगर उत्तर प्रदेश की दृष्टि आप देखेंगे तो उनमें से एक गोल समुद्र के संरक्षण से, समुद्र की जैव पारिस्थिति को बचाए रखने के लिए था, वह यूपी में लागू नहीं होता, लेकिन दुनिया के विदेश जो समुद्र से जुड़े हुए हैं
उन पे ये भी लागू होता है और 2030 का एक लक्ष्य देकर के उन्हें इस दिशा में अपने स्तर पर प्रयास करने के लिए कहा गया। भारतीय समाज शुरू से ही पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील रहा है। याद करिए अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, ये धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। कोई पुत्र कि अपनी मां पर किसी प्रकार का प्रहार बर्दाश्त करेगा, कभी नहीं स्वीकार करेगा। स्वाभाविक रूप से हमारी परंपरा इसके प्रति हमें हमेशा जागरूक करती रही है, लेकिन हमने जहां उस तकनीक का उपयोग होना है उसको उस स्तर पर नहीं किया। यूरोप की तकनीक को आप यूपी में लागू करेंगे, आवश्यक नहीं कि वह यूपी के लिए सस्टेनेबल हो ही जाए, कोई आवश्यक नहीं। दोनों की भौगोलिक और जो पारिस्थितिकी में जमीन आसमान का अंतर है, हमें यहां की अनुकूल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा और प्रयास करना होगा कि वह तकनीक यहां की अनुकूल भी हो और यहां के सतत विकास में भी अपना योगदान दे सकती हो। इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास प्राचीन भारत उसका एक उदाहरण हो सकता है। गांधी जी इससे बहुत दूरदर्शी थे और उन्हें भारत की वास्तविक समझ थी। आपने देखा होगा जब वे ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ग्राम स्वराज क्या, वहां मनुष्य ही नहीं, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था। गांव में सभी लोग परस्पर मिलकर के रहते थे, वे भाव और भंगिमाओं से राष्ट्रीयता के साथ जुड़े थे, लेकिन सरकारों पर उनकी निर्भरता लगभग जीरो थी। वे स्वयं अपनी व्यवस्था, अपनी खेती बाड़ी, अपने पशुपालन, अपने स्वयं की आजीविका का सृजन करते थे, व्यापार संचालन करते थे, गवर्नमेंट को समय पे अपना टैक्स भी दे देते थे और गांव की पूरी व्यवस्था को अपने आप ही संचालित करते थे। गांव की सड़कों को ग्राम पंचायत स्वयं बनाती थी और गांव के कूड़े प्रबंधन के लिए हर गांव में एक खाद का गड्ढा भी होता था, पशुपालन के लिए चरागाह भी होता था, गांव का अपना बगीचा होता था, गांव के अपने तालाब होते थे। इन सब का अपना महत्व था। याद करिए तालाब बरसात के जल को वहां पर एकत्र करने का एक माध्यम और एक एक बूंद जल का उपयोग किया जा सके। बरसात में पानी बरसता है, पूरा पानी बह करके चला जाता है, हमें उसका पता नहीं होता है, लेकिन आगे के 6 महीने हम पानी के लिए तरसते हैं। हमने विकास का मॉडल कौन सा अपनाया, गांव के पहले तालाब गांव के जल की आवश्यकताओं की आपूर्ति का एक माध्यम बनता था। हम लोग उस जल का उपयोग करते थे अपने लिए, अपने पशुओं के लिए, अपनी खेती बाड़ी के लिए और उसको बेहतर तरीके से उसके संरक्षण का दायित्व भी गांव के पास था। लेकिन विकास हुआ, हैंडपंप आ गए, पाइप पेयजल की स्कीम बन गई, हमने गांव की नाली को उस तालाब के साथ जोड़ करके उसको भी प्रदूषित कर दिया और इस क्षेत्र में इस डेवलपमेंट का एक नया मॉडल क्या मिला, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी के रूप में। इंसेफ्लाइटिस ने 40 वर्ष में 50,000 बच्चों की मौत केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों में भी है जहां पे डेवलपमेंट के इस नेगेटिव मॉडल को हम लोगों ने स्वीकार किया। हमने उसके लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं की। ऐसा नहीं कि मॉडल देश के अंदर कोई ना कर रहा हो। पंजाब के अंदर एक संत ने एक मॉडल खड़ा किया, उनका मॉडल देसी मॉडल,
मॉडल आपके सामने, एक मॉडल है नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखने के लिए के जा रहे प्रयास के तहत उसके भी परिणाम आपके सामने आए हैं। गंगा 2016 में नमामि गंगे परियोजना लागू होने के पहले जितनी प्रदूषित थी, आज जब उस मॉडल को लागू किया गया, नए एसटीपी लगाए गए और इस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से जब वहां पे शहरी सीवर को, ड्रेनेज को उसके माध्यम से ट्रीट करके गंगा जी में या सिंचाई के लिए उसका उपयोग होने लग गया, पहले की तुलना में गंगा शुद्ध हुई, जलीय जीव वहां पे फिर से दिखाई देने लग गए। गंगे डॉल्फिन के लिए जानी जाने वाली डॉल्फिन फिर से वहां पे दिखाई देने लग गई। अब गंगा जल में स्नान करने से प्रदूषण के कारण जो लाल लाल चकते बॉडी पे पड़ते थे, अब वहां नहीं पड़ रहे हैं। पहले से ही जो उसमें प्रदूषण की मात्रा थी काफी हद तक कम हुई है। लेकिन एक मॉडल वह जो गांव के लिए स्वाभाविक रूप से यह मॉडल महंगा है, खर्चीला है, ग्राम पंचायत या नगर निकाय के लिए सस्टेनेबल नहीं हो सकता। दूसरा मॉडल एक संत ने दिया, वह है सिंचाई मॉडल। हम गांव के ही अंदर थोड़ी देसी तकनीक का उपयोग करते हुए, देसी तरीकों का उपयोग करते हुए जल की शुद्धि का एक माध्यम बना सकते हैं और उस माध्यम से हम जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं और जो शुद्ध जल होगा उसका उपयोग खेती बाड़ी के लिए कर सकते हैं, कपड़ा धोने के लिए कर सकते हैं, पशुओं के लिए कर सकते हैं, उसका वहां पर बागवानी के लिए कर सकते हैं, फुलवाड़ी के लिए कर सकते हैं, किचन गार्डन के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, हमने गांव में पहले व्यक्ति सब्जी या कोई सामान खरीदने के लिए जाता था, बैग लेके चलता था, बैग लेकर के आप जाना बंद कर दिया, प्लास्टिक की पॉलीथीन लेकर के जाता है और उपयोग करने के बाद फिर उसको फेंक देता है, और पॉलीथीन फेंकता ही नहीं है बल्कि घर के कूड़े को उसमें रख करके फिर सड़क पे फेंकता है, नालियां चौक होती है, एक समस्या वहां से। अगर उस सड़क में फेंका तो गाय खाएगी तो गाय भी बीमार होती है और वो प्लास्टिक सड़ेगा भी नहीं, तो कई कई वर्षों तक वह आपके पर्यावरण को भी चुनौती देगी। अगर कहीं उस पर आग लगा दी तो उसके कारण भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड उससे उत्सर्जित होगा उसके कारण भी एक नया पॉल्यूशन की समस्या खड़ी हो रही है। और ये जो चैलेंज है हम सबके सामने कि समाज की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, संस्थाओं की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए और साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, तीनों मिलकर के एक साथ इस कार्यक्रम के साथ पर्यावरण की भी रक्षा कर पाएंगे, प्रौद्योगिकी को उसके अनुकूल प्रौद्योगिकी को लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी और ग्रामीण क्षेत्र के सतत विकास के लिए भी जो मॉडल आज होना चाहिए, जैसे मैंने कहा कि फसल की पराली जलाने का दुष्परिणाम क्या है कि दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है, एनसीआर के पूरे क्षेत्र में कोर्ट को बहुत सख्ती से वहां पे कानून लागू करना पड़ रहा है, आदेश लागू करवाना पड़ रहा है, क्योंकि किसान के पास तकनीक नहीं या वो तकनीक अपनाना नहीं चाहता, उसने समय के साथ उसने कंबाइन मशीन तो ली लेकिन उसके साथ वो रैपर नहीं लिया जो पराली को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके खेती में उसको उपयोग किया जा सके। दूसरा, हमने बायो फ्यूल के रूप में भी उसको उपयोग करने के लिए एक मैकेनिज्म नहीं तैयार कर पाए, परिणाम है पंजाब और हरियाणा के अंदर उससे भी खतरनाक स्थिति है। दूसरा, हर गांव में खाद का गड्ढा था, वो खाद का गड्ढा कब्जा कर लिया गया, आज गांव में खाद का गड्ढा दिखता ही नहीं, कूड़े जहां तहां कूड़ा फेंकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन में हर घर में शौचालय के साथ साथ स्वच्छता के विशेष अभियान को चलाने के पीछे का उद्देश्य भी था कि नागरिक भी अपनी जिम्मेदारियों के साथ जुड़ सके।
लाइट की भी कितना हम यानी किस प्रकार से करते हैं। भारत प्रधानमंत्री जी ने तय किया है 2070 तक भारत को डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल अडॉप्ट करना है जो कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने में सहायक होगा। कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए क्या प्रयास हमारे स्तर पर हो सकते हैं? एक भवन के मॉडल, पहले गांव में भवन कैसे बनते थे, आप गर्मियों में उन घरों में रहेंगे तो एक ठंडे रहते थे, सर्दियों में वहां जाएंगे तो एक गर्म कमरे अपने आप ही, एक घर अपने आप ही छोटे होते थे लेकिन गर्म दिखते थे, गर्म रहते थे, यानी अपने आप ही वे पर्यावरण के अनुकूल वातावरण देने में सक्षम थे। ये हमारी पुरानी तकनीक थी। आज हमारे घर कैसे हैं, सर्दियों में अगर बाहर टेम्परेचर 3 डिग्री है तो उस घर के अंदर आप जाएंगे तो -3 तक जरूर पहुंचा देगा। गर्मियों में अगर टेम्परेचर बाहर 44 डिग्री है, उन घरों के अंदर जाएंगे तो वह 47-48 डिग्री तक उस टेम्परेचर को जरूर पहुंचा देगा, यानी वह पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं है। हमने नकल की लेकिन अकल नहीं लगाई, हमें उसके अनुरूप मॉडल देखने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि न किया जा सकता हो, और इसी में संस्थाओं की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है, राष्ट्रीय संगोष्ठी के साथ साथ इस प्रकार का प्रोजेक्ट वर्क को अपनाना। क्या हो सकता है, हम किसी एक गांव को ध्यान में रख करके कार्य कर सकते हैं। गांव की नाली वह गांव के तालाब में नहीं जाएगा, गांव का तालाब साफ रहेगा, यह जल संरक्षण के लिए रहेगा। गांव का पानी जल संरक्षण के माध्यम से जब ग्राउंड वाटर के रूप में बदलेगा तो शुद्ध जल के रूप में, शुद्ध जल ही हमें फिर हैंडपंप के माध्यम से, पाइप पेयजल स्कीम के माध्यम से प्राप्त होगा, लेकिन उसका भी एक माध्यम भी तो देना पड़ेगा। और दूसरा, जो गांव का ड्रेनेज है या गांव का सिवर है उसको कहीं इतनी दूर गांव से ले जाना जहां पे फिर उसकी देसी पद्धति से ट्रीटमेंट कर सके। सिचेवाल मॉडल को हम लोगों ने देखा उसको, अगर आप उसके जल को यानी सीवर के जल को भी अगर आप एक गिलास जल दें तो आपको एकदम नीट एंड क्लीन जल देखने को मिलेगा, बहुत साफ सुथरा जल, कोई बदबू नहीं, किसी प्रकार की उसमें दुर्गंध नहीं, और पूरा सुथरा साफ एकदम क्लीन वाटर है। वह एक मॉडल खड़ा हो सकता है, उस देसी मॉडल को हम लोग भी अपने तरीके से यहां पर अपना सकते हैं। मुझे याद है, मुझे आज से लगभग 12 वर्ष पहले एक स्थान पर वहां पे जल जमाव होता था, खूब जल जमाव होता था, एक एक फुट 1.5 फुट पानी लगता था, बरसात हुई 1 घंटे 1 फुट पानी लग गया कैंपस में। तो मैंने कहा इसका समाधान होना चाहिए। अब समाधान क्या होना चाहिए, मैंने कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाओ। मैंने एक प्रतिष्ठित संस्था को बुलाया, मैंने कहा भाई आप मुझे बताओ इसका, तो उसने मुझे 15 लाख का बिल दे दिया। मैंने कहा 15 लाख तो बहुत है। तो फिर मैंने मंदिर से जुड़ा हुआ एक पॉलिटेक्निक है उससे मैंने उस वहां के प्राध्यापकों को बुलाया। मुझे एक बुजुर्ग मिला, उसने कहा इसमें क्या करना है। मैंने कहा मैं चाहता हूं कि ये जो जल जमाव बरसात में होता है ये जल जमाव ना हो, ये पानी सब धरती सोख ले और यहां का ग्राउंड वाटर लेवल ठीक हो। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है। मैंने कहा क्या हो सकता है, उसने कहा कि मैं इस मॉडल को 40,000 से 50,000 रुपए में तैयार करा सकता हूं। तो मैंने कहा भी अच्छी 15 लाख की तुलना में 50,000 में हो जाए तो कौन बुरी बात है, और जब 15 लाख खर्च करना ही है तो बाद में हम देखेंगे, पहले 50,000 को ही देख लेते। उसने कहा मुझे केवल आदमी दे दीजिए जो गड्ढा खोद सके। उसने गड्ढा खुदवाया, गड्ढा खुदवाने के बाद उसने ईंटें मंगवा करके उसमें ईंट की दीवार चलाई, चैम्बर अलग अलग बनाए, फिल्टर की 3 व्यवस्था उस पर की, ईंट के बड़े बड़े टुकड़े ला करके एक में डलवाया, एक में गिट्टी डलवाई, एक में सादा बालू डलवाया, और पानी को फिर उसके माध्यम से उसने
कहा कि जब पानी पहले इस चैम्बर में आएगा, ईंट के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ये इसकी ट्रीटमेंट उसको करेंगे, फिर ये गिट्टी से होकर के जाएगा, दूसरा ट्रीटमेंट होगा, तीसरा जब बालू से होकर के जाएगा तो पानी एकदम साफ सुथरा होगा। पहले ही उसमें उसने कहा कि इसमें जाली, जो मॉस्किटो जाली होती है ना, इसको लगाएंगे हर वर्ष उसकी, उसको साल में दो बार केवल निकाल करके झाड़ देना है। यानी जो काम 15 लाख में होना था वह मात्र 30 से 40 हजार रुपए में उसने हमें करके दिखाई है। देसी मॉडल जो सस्ता भी है, और मैं आज भी जब वहां देखता हूं बरसात के समय, गत वर्ष में देख रहा था जिस दिन गोरखपुर में लगभग 24 घंटे तक लगातार बारिश पड़ती रही, एक दिन संजोग से मैं गोरखपुर में था तो बारिश जैसे समाप्त हुई मैं 24 घंटे रुका था वही देखने के लिए क्या है। आज 12 वर्ष भी उसके बाद भी उसका परिणाम क्या है। तो मैं वहां पे बरसात जैसे बंद हुई मैं वहां गया, आप आश्चर्य करेंगे वहां एक भी बूंद पानी नहीं लगा था, सारा पानी वो अपने आप सोख दे रहा था, पूरा पानी सोख दे रहा था। यानी आज भी इस प्रकार के मॉडल हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं, और भारत के गांव इस हिस्से बहुत अच्छे तरीके से, उन लोगों के पास अपनी देसी मॉडल थे, देसी तकनीक थी, देसी तरीका था, वे अपने मॉडल की ब्रांडिंग नहीं करते थे, वे उसके बारे में बहुत प्रोपोगंडा भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने विरासत में जो कुछ प्राप्त हुआ उसको आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में प्रदान किया, और परिणाम था गांव स्वावलंबी होते थे, आत्मनिर्भर होते थे, खुशहाल होते थे। समय के अनुरूप हमने भले ही तकनीक को कहा, तकनीक आज की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इस तकनीक को अपने देसी पद्धति के साथ जोड़कर को इसको और आगे बढ़ा सके। जो मैंने आपको बताया कि यूरोप की तकनीक यूपी में लागू हो ही हो या आवश्यक नहीं, इसके लिए हमें यूपी की जैव परिस्थिति के अनुसार यहां पे क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप कौन सी तकनीक यहां के लिए फिट बैठती है, या हमारे शिक्षण संस्थानों को तय करना होगा, उसके अनुरूप उस प्रकार की शोध को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और देसी तकनीक को अगर आप करेंगे तो पर्यावरण हितैषी भी होगा, और एक डेवलपमेंट का एक सस्टेनेबल मॉडल, एक सतत विकास के मॉडल को भी देने में सफल होगा। इस राष्ट्रीय संगोष्ठी को जो 2 दिनों तक चलने वाली है, यह राष्ट्रीय संगोष्ठी इस दिशा में किसी एक निष्कर्ष की तरफ बढ़ने में सहायक होगी, इस विश्वास के साथ मैं इस पूरी राष्ट्रीय संगोष्ठी के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए, जो भी यहाँ पे अतिथि वक्ता आए हैं, विशेषज्ञगण आए हैं, शोधार्थी आए हैं, उन सबको इस कार्यक्रम में भागीदार बनने, अपने रिसर्च पेपर उपलब्ध कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ, और विश्वास करता हूँ कि हम थोड़ा स्थानीय मुद्दों पर फोकस अपनी बात को करेंगे, और कुछ नए मॉडल देने में और कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर पाएंगे तो उसके परिणाम बेहतर आ पाएंगे। आप सबकी प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। इस सार्वभौमिक प्रासंगिक एवं उत्प्रेरक